Excellent work. Hey guys, how's the Josh? मैं हूं चेतन from Gaming Josh और ये है Realme 9 Pro Plus का gaming review. 9 Pro Plus India में launch हो चुका है. ये है इसका box packaging. एक quick यहां पर आपको box का exterior दिखा दूं आपको एक idea लगने के लिए कि कैसा दिखता है. और यहां पर तीन color options है. ये जो मेरे पास है ये रहेगा Aurora Green. मेजर स्पेसिफिकेशंस आप देख रहे हो यहाँ पर सोनी का IMX766, उसके साथ साथ Dimensity 920 5G प्रोसेसर, 90Hz यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है. 90Hz का मतलब है रिफ्रेश रेट 90Hz, उसके साथ साथ 180Hz का टच सैम्पलिंग है. मगर हम क्योंकि गेमिंग की बात करने वाले हैं, गेमिंग का ही हम अगर पकड़ के बात करें, Dimensity 920 आपको बाय डिफॉल्ट स्मूथ एंड एक्सट्रीम का ऑप्शन दे रहा है ऑन BGMI, तो वो एक बहुत अच्छी बात है. आपको कोई टूल्स लगाने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिप्स एंड ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं जिससे आपको हर बार आईडी का रिस्क रहता है. तो एटलीस्ट Dimensity 900 सीरीज में, जैसे आपने दो दिन पहले इन्फिनिक्स का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 05G, उसमें भी देखा था कि Dimensity 900 में आपको स्मूथ एक्सट्रीम बाय डिफॉल्ट मिल रहा था, अब वही ऑप्शन इसमें भी मिल रहा है. मगर क्या वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा दे पा रहा है? एक तो पहली बात, अगर हम हीटिंग की बात करें तो इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग दिया गया है, तो वो एक काफ़ी मतलब अच्छा एडिशन है रियलमी की तरफ से. और गेमिंग में ये जो हम हर बार बात करते हैं अबाउट द हेडफोन जैक, यहाँ पर हेडफोन जैक आपको मिल रहा है, तो वो एक अच्छी बात है कि आपको ऐसी कोई चीज़ निकाली नहीं गई है जिससे आपको दिक्कत हो. पहले रियलमी का एक दो फोन्स में हुआ था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया था रियलमी को कि ऐसे जो बेसिक फीचर्स होते हैं उनको निकालो मत. तो रियलमी नंबर सीरीज में अभी तक रिटेन्ड है, तो बहुत अच्छी बात है. रियलमी 9 प्रो प्लस में अभी तक हेडफोन जैक है, टाइप सी पोर्ट भी है एंड ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है. अगर आप गेम खेल ही रहे हो और कभी कभी आपको अगर हेडफोन जैक के बिना खेलना हो तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर से एटलीस्ट आपको फुटस्टेप का डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा. अगर आप लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन में खेल रहे हो तो लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंस मिल जाता है. अब गेमिंग में, जैसे मैंने कहा आपको, गेमिंग में BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम मिल रहा है एंड उसके साथ साथ HDR अल्ट्रा तक आप जा सकते हो. और उसमें कैसा परफॉर्मेंस है, मैं आपको पूरा वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ किया है क्योंकि मिररिंग में मुझे एक दो इश्यूज आ रहे थे. उसके साथ साथ वैसे भी रिकॉर्डिंग इज समथिंग दैट वी यूजुअली प्रीफर टू डू, क्योंकि काफ़ी लोग जो खेलते हैं वो रिकॉर्ड भी करते हैं अपना गेम प्ले. और यहाँ पर अगर मैं आपको पहले ग्राफिक सेटिंग्स की ही बात कर लूँ, ये रहेगी इसके ग्राफिक सेटिंग्स, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम आपको मिल जाएगा इनिशियली टू गो विद. एंड उसके अलावा अगर हम ब्राइटनेस को कम करें एंड मैक्सिमम, मैं आपको बता दूं यहाँ पर HDR तक जाता है, HDR में अल्ट्रा तक जाएगा. अल्ट्रा HD का ऑप्शन यहाँ पर आपको एनेबल नहीं होगा, दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन योर डिवाइस सून का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा. तो HDR अल्ट्रा तक जा रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर. और उसके अलावा वैसे भी मतलब देखो, हमने जो सेटिंग्स में खेला है मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर, बिकॉज दिस इज रियलमी UI 3.0, आपको सिस्टम स्टेटस मिल जाता है जिसकी वजह से आप ऊपर ये जो फ्रेम रेट्स है वो देख पाएंगे. फ्रेम रेट्स का मतलब है ऊपर कितना FPS है, उसके साथ साथ FPS के साथ साथ GPU और CPU का यूसेज भी आपको दिख जाएगा, जो ऊपर 59 अभी दिख रहा है आपको FPS, सो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल 60 FPS. एंड उसके अलावा मैंने जो सेटिंग्स में खेला था दैट वुड बी परफॉर्मेंस मोड अंडर द गेमिंग मोड, मतलब तीन मोड होते हैं इसमें, परफॉर्मेंस मोड होता है एक, और बैलेंस मोड होता है और एक लो पावर मोड होता है. तो हमने हर बार खेला था यहाँ पर गेम मोड में जो इसका सबसे टॉप मोड है, क्योंकि 60 FPS बेटर मिल जाएगा आपको इफ यू प्ले इट ऑन द गेम मोड और द परफॉर्मेंस मोड. और इसमें एक गेम फोकस मोड भी है जिससे आपको नोटिफिकेशन पैनल ड्रैग नहीं होगा या क्विक सेटिंग्स बाहर नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा और सिर्फ आपका गेम पे ही फोकस रहेगा. इसके साथ साथ यहाँ पर रियलमी ने वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी इस बार इंक्लूड कर दिया है, तो वो एक अच्छी बात है. जिनको थोड़ा फन करना है ज़्यादा गेम खेलते वक्त, तो वॉइस चेंज करके भी आप खेल सकते हो. और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन में, जैसे पहले भी रियलमी का होता था, यू कैन रिकॉर्ड बोथ दी ऑप्शंस लाइक गेम का ऑडियो उसके साथ साथ माइक्रोफोन का ऑडियो. तो ये बाकी ब्रांड्स इतना नहीं करते ये इंक्लूड, बट यहाँ पर रियलमी हर बार करता है माइक्रोफोन प्लस सिस्टम साउंड, तो वो एक अच्छी बात है. और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने किया है ऑन 60 FPS, पॉसिबिलिटी है 60 FPS का, तो हमने 60 FPS का फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड किया है. तो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द लोड ड्यूरिंग द गेम एंड रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लैग कभी कभी फील होता है, बट फ्रेम रेट्स तो आप खुद ही देख लो, मैं अकेला जज नहीं करूंगा, आप खुद जब गेम पे देखोगे तो आपको पता चलेगा. ऊपर फ्रेम रेट देखते रहना, आपको आइडिया लगेगा कि कैसा फ्रेम रेट है. एंड क्योंकि सैनहॉक हमारे पास अभी एंड्रॉइड में अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट 50-60 बंदे आराम से सैनहॉक हुड कैम में उतर जाते हैं, तो हमारे लिए टेस्ट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर चांस था, तो मैंने टेस्ट कर लिया इसमें. मारना
पहले मार दो। नहीं बंदा है सामने। हाँ सामने पेड़ पे है। हेडफोन निकालो। अरे जवाक हेडफोन खींच रहा है। Need ammo. बहुत बंदे अपने पीछे। Okay. अनलिमिटेड कौन देता है भाई? सामने वॉल पे रुक जा। करो। पीछे ये डब्बे पे वो आई नीड कंज्यूमेबल्स नहीं है जीरो बाहर से आ रहे हैं। तू भी मत रहे अलग अलग रहते हैं। अरे आएगा चलो तेरे साइड वाले को मार। Awesome. ये क्या किया ब्रो? कवर दे नंबर। Awesome.
ओ भाई वॉच आउट एक मिनट अबे ये रहा बंदा हिट किया उसको मैंने एक बंदा आगे जाएगा तो ही होगा काम जाओ ना एक हेड में नॉक कर दिया उसके साथ एक और आ गया उसके पास एक और आ गया दो है मारना रे मारना थोड़ा ही था वो रे 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 जल्दी 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 कारण चेतन उसको पड़ी है नाइस Enemies ahead. Cut away. Excellent work. So that's it guys, this was the gameplay and the gaming review of the Realme 9 Pro Plus. Quite a decent smartphone. I would say streaming के लिए भी अगर आप चाहते हो तो this would be not a bad phone at all. और वैसे guys किसी को इतना system status का ज़रूरत नहीं पड़ता FPS देखने का और ये सब but फिर भी मैंने इसलिए हर बार include किया ये बात को क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो जब खेलते हैं तब उनको लगता है कि यार ये lag क्यों हो रहा है क्या ये game का lag है या network lag है तो आप FPS देख के judge कर सकते हो वो चीज़ को इसलिए system status अगर आपको यहाँ पर UI में मिल रहा है तो वो एक अच्छा addition है तो Realme ने अपने UI 3.0 में जहाँ पर भी जिस फोन में भी UI 3.0 है उसमें ये वाला सिस्टम स्टेटस ऐड हो गया है तो वो एक अच्छी बात है और यहां पर क्योंकि 9 Pro Plus आ रहा है खुद ही UI 3.0 के साथ डायरेक्टली तो वो एक बहुत अच्छी बात है यहां पर और ऑब्वियसली यहां पर हमने अभी तक बात नहीं की बट देयर इज दैट गेम मोड जो आपको अगर याद हो OnePlus के फोन्स में ऐसा वाला गेम मोड होता था तो सिमिलर मोड यहां पर आपको मिल जाएगा एंड मैं आपको वो भी दिखा दूं यूसेज एक्सेस देना पड़ेगा मुझे और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये कैसा दिखता है इट इज सिमिलर टू द वन दैट यू सी ऑन OnePlus itself एक सेकंड के लिए अगर मैं दिखा दूं यहां पर ये रहा यहां पर आपको स्टैट्स मिल जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको BGMI के बारे में जो भी गेम आप खेल रहे हो तो दिस इज द माई गेम सेक्शन यहां पर आपको ये मिल जाएगा न्यू वर्जन का यहां पर ऑप्शन है मतलब एक नया वर्जन आ चुका है इसमें एंड यू हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस गेम टूल किट है जो हमने अभी आपको बताया था उसके साथ साथ आंसर कॉल्स ऑन स्पीकर नोटिफिकेशन स्टाइल के ऑप्शन 4D वाइब्रेशन का यहां पर फीचर है स्मार्ट नेटवर्क स्विचिंग क्विक स्टार्टअप एंड गेम फोकस मोड जो मैंने पहले आपको बताया था और गेम फिल्टर्स भी है जिसमें आप अभी के लिए BGMI में कुछ नहीं कर सकते बट PUBG मोबाइल में वो एक ऑप्शन है तो वो एक यहाँ पर अगर आप PUBG मोबाइल खेलते हो तो उसमें HDR का ऑप्शन आपको यहाँ पर इनेबल करने को मिलेगा सो दैट्स इट गाइस आई वुड से अगेन वही बात को रिपीट करूंगा इट्स नॉट स्मूथेस्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंसेस 60 FPS पे जो मैंने देखा है बट स्टिल इट होल्ड्स अप वेल क्योंकि सेनॉक बूट कैंप अभी जो अनरैंक्ड है उसमें जितने बंदे आते हैं ना वो ऑलमोस्ट मतलब T1 हेवीएस्ट लॉबीज में इतने बंदे एंड जोन में छोटे छोटे सर्कल्स में रहते हैं तो वही सीन यहाँ पर हो रहा था और इसलिए फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े देखने को मिले थे बट फिर भी द फोन वॉज नॉट टोटली गिविंग इट अप तो वो एक अच्छी बात है और आगे जाके देखते रहेंगे इसके जो भी अपडेट्स आएंगे उसकी मैं वीडियोज बनाऊंगा अभी के लिए आई वुड से इफ यू लुकिंग फॉर एन ओवरऑल डिसेंट स्मार्टफोन विद एवरीथिंग टुगेदर नॉट जस्ट गेमिंग क्योंकि एक बहुत अच्छा इसमें कैमरा है आपको मिल रहा है उसके साथ साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 90Hz ऑफ रिफ्रेश रेट देन ड्यूअल स्पीकर्स भी है 4500mAh बैटरी 60W चार्जर भी है इसमें साथ में चार्जिंग और इसलिए मतलब ओवरऑल पैकेज अच्छा है और गेमिंग वुड बी जस्ट एन एक्स्ट्रा एडिशन टू इट्स गुड फीचर्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ये स्मार्टफोन है और आपको लेना चाहिए बट एडिशन की तरह मतलब एक अच्छा फीचर है गेमिंग का भी इसमें और वेपर का चैम्बर कूलिंग भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है सो दैट्स इट गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले शेयर करना ना भूले सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को कीजिए जोश आए सी इन माय नेक्स्ट वीडियो